Hello everyone, myself Adarsh Kumar, I am the faculty of chemistry and today I am going to teach you aromatic chemistry, basically aromatic compounds. कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो उसके कंडीशंस होते हैं. मैं कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करता हूँ. हमारे पास तीन कंडीशन है. कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो उसके कंडीशंस है. पहला कंडीशन है आपके पास कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर. कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज कंपाउंड के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हाइब्रिडाइज हो और sp2. sp हाइब्रिडाइजेशन रेयर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल हम लोग देखते हैं. हर एक एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होता है. थर्ड कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, लास्ट कंडीशन. इन दैट कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4n+2 वेयर n कैन बी 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट. मैं एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूं. जैसे सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल हमारा वो है बेंजीन का. जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इस बेंजीन के अंदर, बेंजीन का पहला कंडीशन क्या है कि ये साइक्लिक है, प्लेनर है. हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ईच कार्बन इज हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2. हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. कंपाउंड जो है साइक्लिक है, प्लेनर है. हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. एंड विल काउंट द पाई इलेक्ट्रॉन्स. द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस कंपाउंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 2, 2 एंड 2. देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. So according to our last condition, if a compound is having 4n+2 pi electron, this condition is also known as Hückel's rule. Hückel's rule. तो जैसे 4n+2 को हम 6 से इक्वेट करते हैं तो we are getting n equal to 1. और वन हार लिस्ट में, सो दैट्स व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक इन नेचर. मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, बहुत मैं एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ. बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा ताकि एरोमेटिसिटी क्लियर हो सके. ये बेंजीन था. बेंजीन के बारे में हम लोग क्या देख पाए, ये साइक्लिक है, प्लेनर है. हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन. इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देख पा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट इज फॉलोइंग द हकल्स रूल, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक. नाउ वी आर मूविंग अहेड. We'll classify classification. हमारे पास क्या है, पहला आपके पास बेंजीनोइड फॉर्म. एंड सेकेंड इज non-benzenoid form. In benzenoid form, at least one benzene ring. Benzenoid form के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि उसके अंदर at least one benzene ring होगा. एंड इन नॉन बेंजीनोइड हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी.
बेंजीनोइड फॉर्म के अंदर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि बेंजीनोइड फॉर्म किसको बोलेंगे हम, जिसके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको हम बेंजीनोइड फॉर्म बोलेंगे। एग्जांपल तो आप देख ही पा रहे हैं कि बेंजीन हमने डिस्कस किया अभी, ये एरोमेटिक है। वंस अगेन वी लुक एट द व्हाट इट कॉल कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, साइक्लिक है, थ्री कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड द थर्ड कंडीशन इज इन दिस कंपाउंड देयर आर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज फॉलोइंग द हकल्स रूल, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। सेकंड अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड ये कंपाउंड भी साइक्लिक है, इसके अंदर हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एंड द थर्ड कंडीशन कि ये कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस कंपाउंड। सो इफ वी इक्वेट 4n + 2 = 10 वी आर गेटिंग व्हाट, 2, एंड 2 इज इन आवर लिस्ट, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। हम इसका नाम देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका नाम क्या हो सकता है आप लोग सोच के बताइए, मैं जस्ट इसके दोनों बताऊंगा इसके बारे में। थर्ड कंपाउंड इस कंपाउंड बारे में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर भी हमारे पास कितने, अब मैं आपको समराइज कर देना चाहता हूं कि हमें बारे ये सारे कंपाउंड जो है साइक्लिक हम लोग देख पा रहे हैं, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है हम लोग देख पा रहे हैं, और इसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट है कि हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम लोग काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका नाम सबको पता है बेंजीन है, इसका नाम मैथिलीन, इसका नाम है एंथ्रासीन, और एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं बेंजीनोइड फॉर्म के अंदर 1 2 3 फोर्थ एग्जांपल दैट इज कॉमन दैट मे बी आस्क्ड। इस कंपाउंड के अंदर हम लोग देखें इसका नाम है फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये बेंजीनोइड फॉर्म के सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, इसके अंदर हर एक कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो पा रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, एंड इट इज फॉलोइंग द हकल्स रूल, दैट्स व्हाई ऑल द कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, और ये हम लोग बेंजीनोइड फॉर्म के अंदर डिस्कस किए हैं। And we are now going to discuss non-benzenoid form, which is very much important. और उस लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको IIT JEE ने आस्क किया, पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन उससे पूछा गया है। So we'll discuss non-benzenoid form. Non-benzenoid form. पहला example, three member ring से मैं start करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे smallest ring का size three member ही होगा हम लोग जानते हैं, तो start कर रहे हैं हम लोग।
सो आप बताइए कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, वो कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसको तीनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा। पहला कंडीशन क्या है कि साइक्लिक हो, तो कंपाउंड इज साइक्लिक। वी कैन सी कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या तो sp हो, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हर एक कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp2 है। नाउ कमिंग एट हकर्स रूल, इसके अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टू पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। इस कंपाउंड का नाम आप लोग बता पाए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस इज एरोमेटिक और ये स्टेबल है। सेकेंड, व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? This is also aromatic because we can see that these two electrons are delocalized in the system. This system के अंदर delocalized है दोनों electron और ये सारे conditions को satisfy कर पा रहा है। इसके अंदर 2, 2 and 2 six pi electrons are there. Next. What about this compound? This is also aromatic. इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और इसके अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं? How many electrons are there? How many pi electrons are there? Two pi electrons are there. Two pi electrons are there. So this compound is also aromatic. मैं इस लिस्ट को कंटिन्यू करना चाहता हूं।